हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम होने वाला है पोकेमॉन क्वेट्जल। एंड गाइस, ये एक रोम है के पोकेमॉन एमरल्ड का। आई नो मैंने रिसेंटली पोकेमॉन रोव को कंप्लीट किया था, जो कि पोकेमॉन एमरल्ड का ही रोम हैक था, लेकिन उसके बस 10 एपिसोड थे गाइस। एंड ऑन दी अदर हैंड, उसकी जो स्टोरी थी वो तो कुछ स्टोरी थी नहीं। मतलब हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे थे, वो एक ओपन वर्ल्ड गेम था। एंड उसमें बस हम लोगों को जिम बैजेस हासिल करने थे, एंड वो मैंने करके लीग को ख़त्म कर दिया। ओके, एंड उसमें कोई मेरे को इतना भी मज़ा नहीं आया। ओके, जस्ट बिकॉज मुझे लगा था कि ओपन वर्ल्ड गेम है, बट जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था उतना मेरे को मज़ा तो नहीं आया। एंड आप लोग मुझे सच बताना कि आपको रोव सीरीज़ कैसी लगी। ओके, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस सीरीज़ के बारे में ऐसा नहीं होने वाला। इवन तो ये भी एमरल्ड के ऊपर ही बेस है, लेकिन इस गेम में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस गेम को आपका पसंदीदा गेम बना सकती है। फॉर एग्जांपल, इसमें मेगा एवोल्यूशन है, जायगंटा मैक्स है, जनरेशन 9 के पोकेमोन है, फॉलोइंग पोकेमोन है। इवन दो मतलब फॉलोइंग पोकेमोन तो पोकेमोन रोव में भी थे, लेकिन पोकेमोन रोव में सारे पोकेमोन फॉलो नहीं करते थे। एंड इस गेम में लिटरली सारे पोकेमोन आपको फॉलो करेंगे। एंड प्लस इस गेम में और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊँगा। सो अभी गेम को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो आप लोग इस गेम को नॉर्मली खेल सकते हो, एक होता है रैंडमाइज वर्जन और एक होता है चीट्स वाला। मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल में नॉर्मल गेम होता है, एमरल्ड की स्टोरी आप लोग कंटिन्यू करोगे, लेकिन उसमें आप लोगों को जनरेशन 9 तक के पोकेमॉन मिल जाएंगे देखने को। आई गेस जनरेशन 9 के पास स्टार्टर पोकेमॉन है, या फिर आई डोंट नो, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इतना, बट ठीक है। रैंडमाइज में पूरा रैंडमाइज हो जाता है। एंड चीट्स में, इवन दो चीट्स में बस चीट्स मिलेंगे, बट उसमें रैंडमाइज नहीं होता। तो मैं तो यहाँ पे चीट्स आपको खेलने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज अगर आप लोग किसी गेम को खेलना चाहते हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा उसको चीट्स के विदाउट खेलना, बिकॉज तब जाके आपको जो एन्जॉयमेंट मिलेगी ना, वो चीट्स के साथ मज़ा नहीं आती। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन ठीक है। सो वी आर गोइंग टू प्ले विथ रैंडमाइज मोड। यहाँ पे फिर आप लोगों को चूज़ न्यू गेम ऑप्शन है। यहाँ पे ईजीएस्ट है, ईजी है, डिफ़ॉल्ट हार्ड है। मैं जाना चाहूँगा कस्टम के साथ। फिर यहाँ पे पूछा है चूज़ गेम डिफ़िकल्टी, तो हम लोग नॉर्मल डिफ़िकल्टी के साथ खेलेंगे। चूज़ शाइनी प्रोबेबिलिटी, आई गेस नॉर्मली ठीक है। ये क्या है, चूज़ पोकेडेक्स मोड, नॉर्मल मोड, अनलॉक एरियाज़ आफ्टर हॉल ऑफ फेम, अनलॉक एरियाज़ आफ्टर एट द स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट वाला ही हम लोग करेंगे। ये क्या है, अनलॉक ऑल मिसलेनियस एट द स्टार्ट वाला ही ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लासिक इंट्रो, हम लोग इसको स्किप करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है मैं बॉय हूँ कि गर्ल हूँ। यहाँ पे हम लोग मैं एक चीज़ करूँगा, अभी हम लोग गर्ल लेंगे। और यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर भी चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पे कैंटो से लेकर होएन, सिनो, अलोला और गलार के ही गर्ल्स मिलते हैं। आई डोंट नो जोटो की गर्ल क्यों नहीं है यहाँ पे, मतलब मुझे जानना है। जोटो में कोई लड़की कैरेक्टर नहीं थी क्या? आई गेस नहीं थी, जोटो में कोई लड़की वाली कैरेक्टर नहीं थी। एक थी जिसके पास वो मैरिल था, लेकिन इस गेम में हम लोग वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कैंटो की ग्रीन बनेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे फट से हमारा नाम डाल देते हैं। ये मैंने निकनेम रोम में भी यूज़ किया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड डोंट वरी गाइस, अगर आपको शौक लगा रहेगा कि यार मैं लड़की का कैरेक्टर क्यों लेके खेल रहा हूँ, बिकॉज ये मैं कभी नहीं करता, बिकॉज इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको सब बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग लिटिल टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, मुझे नहीं पता इससे पहले हम लोग कहाँ पे रहते थे, लेकिन ठीक है। ऑल राइट, आर यू रेडी, योर वेरी ओन पोकेमॉन एडवेंचर इज़ अबाउट टू अनफोल्ड, टेक करेज एंड लीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमॉन वेयर ड्रीम्स, एडवेंचर्स एंड फ्रेंडशिप अवेट। वेल, आई विल बी एक्सपेक्टिंग यू लेटर, कम सी मी इन माई लैब। गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हम लोग करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे हमारा कैरेक्टर चेंज करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, हम लोग पहुँच चुके हैं। ओके, ग्रीन सीरियसली काफ़ी अच्छी लग रही है, क्या मैं लड़की कैरेक्टर के साथ खेलूँ क्या? ओमी, वी आर हियर हनी, इट मस्ट बी टायरिंग राइडिंग ओके विथ योर थिंग्स इन द मूविंग ट्रक। वेल, दिस इज़ लिटिल टाउन, हाउ डू यू लाइक इट? ओके, दिस इज़ अवर न्यू होम, इट हैज़ अ क्वेंट फील, बट इट सीम्स टू बी एन ईजी प्लेस टू लिव, डोंट यू थिंक? एंड यू गेट योर ओन रूम, ओमी, लेट्स गो इनसाइड। ठीक है, सी ओमी, इजंट इट नाइस हियर टू द मूवर्स पोकेमॉन डू ऑल द वर्क ऑफ मूविंग अस इन द क्लीनिंग अप आफ्टर, दिस इज सो कन्वीनियंट। ओमी, योर रूम इज अपस्टेयर्स, गो चेक इट आउट डियर, डैड बॉट यू अ न्यू क्लॉक टू मार्क अवर मूव हियर, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सेट इट। ठीक है,
मुझे बस यहाँ पे टाइम सेट करना है, और मैं आपको अभी देख दिखा रहा हूँ कि अभी 12:15 होने वाले हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक है ओमी, हाउ डू यू लाइक योर न्यू रूम? गुड, एवरी थिंग पुट अवे नीटली, ओके, दे फिनिश मूविंग एवरी थिंग इन डाउन स्टेयर्स टू, पोकेमोन मूवर्स आर सो कन्वीनियंट, यू शुड मेक श्योर दैट एवरी थिंग्स ऑल देयर, यू चेक डेस्क, ओके ठीक है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना ये सब, ओके यहाँ पे हम लोग भाग भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को आपको दिखानी है गाइस, ये भागने वाला नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पे आप लोग अगर आप लोग ऑप्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेयर करके एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप लोग लड़का फिर से बन सकते हो, और यहाँ पे आप लोगों को रेड बन सकते हो, ऐश बन सकते हो, ओक बन सकते हो, जियोवानी बन सकते हो, रॉकेट का ग्रंट बन सकते हो, जोटो में गोल्ड बन सकते हो, होएन में ब्रेंडन है, स्टीवन है, सिनो में लूकस है, ये कौन सा पोकेमोन कैरेक्टर है मुझे नहीं पता, री नहीं पता, अलोला में इलियो है, और गलार में विक्टर बन सकते हो, सो टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइज, आपको जो बनना है आप लोग बन के खेलो, मैं बनने वाला हूँ ऐश कैचम, ओके मैं बन चुका हूँ, इवन तो मैं लड़की था पहले लेकिन अब मैं लड़का हूँ। यहाँ पे ओ ओमी ओमी क्विक कम क्विकली, ठीक है, लुक इट्स पेटलबग जिम, मे बी डैड विल बी ऑन, पता है गाइस इस गेम में होता क्या है, मतलब आई होप आप लोगों ने एमरल्ड खेला रहेगा, उसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे जो डैड होते हैं ना, उनका यहाँ पे एक जिम होता है, खुद का जिम होता है इस रीजन में, एंड हम लोग उनके साथ भी आगे जाके फाइट करेंगे, अभी नहीं टाइम है उसके लिए, लेकिन करेंगे। वी ब्रॉट यू दिस रिपोर्ट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ पेटलबग जिम, ओ इट्स ओवर, आई थिंक डैड वॉज ऑन बट वी मिस्ड हिम, टू बैड, ओ येस वन ऑफ योर डैड्स फ्रेंड लिव्स इन टाउन, प्रोफेसर बस इज हीज नेम, ही लिव्स राइट नेक्स्ट टू अवर, सो यू शुड गो ओवर एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। और गाइज इस गेम में ऐश का जो स्प्राइट है वो मतलब ठीक ठाक ही है, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। ये रहा प्रोफेसर बर्च का घर, इनकी बेटी मतलब काफ़ी अच्छी है, ओ हेलो एंड यू आर ओमी आवर नेक्स्ट डोर नेबर, हाई वी हैव अ डॉटर अबाउट द सेम एज इज एज यू, आवर डॉटर वॉज एक्साइटेड अबाउट मेकिंग अ न्यू फ्रेंड, आवर डॉटर इज़ अपस्टेयर्स आई थिंक, ठीक है। लेकिन गाइज मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे बताना, इस गेम को स्टार्ट करते समय मैंने लड़की का कैरेक्टर यूज़ किया था, तो अगर नॉर्मल गेम में हम लोग लड़की का कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा जो दूसरा कैरेक्टर होता है राइवल कैरेक्टर, उसका जेंडर चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, मतलब इवन तो मैंने लड़की का कैरेक्टर चूज़ किया था, फिर भी यहाँ पे हमारा जो राइवल है वो अभी भी लड़की है, बिकॉज जैसे कि मी की मम्मी बात कर रही थी, देख सकते हो यहाँ पे जो राइवल कैरेक्टर वो लड़की है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, मे बी इसमें फिक्स हो चुका है कि हम लोग लड़की का कैरेक्टर नहीं ले सकते, या फिर इवन लेंगे तो भी हमारा कैरेक्टर राइवल कैरेक्टर लड़की होगा। हु यू आर, यू आर ओमी, सो यूर मूव वॉज टूडे, आई मे ग्लैड टू मीट यू, आई हैव दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग फ्रेंड्स विद पोकेमोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हर्ड अबाउट यू ओमी फ्रॉम माई डैड प्रोफेसर बर्च, आई वॉज होपिंग दैट यू वुड बी नाइस ओमी एंड दैट वी कुड बी फ्रेंड्स, दिस इज सिली इजंट इट, वी हैव जस्ट मेट यू ओमी, ही ओ नो आई फॉरगॉट, आई वॉज सपोज टू गो हेल्प डैड टू कैच सम वाइल्ड पोकेमोन, ओमी आई विल कैच यू लेटर, ये बोली इसको अपने डैड को मदद करना है लेकिन ये जाके पीसी में बैठ गई, वियर्ड, लेकिन ठीक है हम लोग आ चुके हैं लिटिल टाउन में फिर से, एंड हाई लड़की, हाई देर आर स्केरी पोकेमोन आउटसाइड, आई कैन हियर देयर क्राइज, आई वॉन्ट टू गो सी व्हाट्स गोइंग ऑन बट आई डोंट हैव एनी पोकेमोन, कैन यू गो सी व्हाट्स हैपनिंग फॉर मी, श्योर हेल्प मी, ओके प्रोफेसर बर्च के पीछे एक ज़िगज़ागून पड़ा है, हेलो यू ओवर देयर प्लीज़ हेल्प, इन माई बैग देयर इज़ अ पोकेबॉल, गाइज पर इस गेम का यही सबसे बेस्ट फीचर है, देख सकते हो जैसे ही आप लोग ग्रास के पास जाओगे तो यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पे एक फ्लेरी ऑन है, और ये कौन है, ये आई गेस प्री मरीना थी, यहाँ पे लिटरली रेजी रॉक, ओ माई गॉड, इस गेम का यही फीचर मुझे काफ़ी पसंद आता है, एक इंसिडर और, ओके लेकिन गाइज ये गेम एक रैंडमाइज वर्जन है तो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा चूज़ करने का, हम लोगों को डायरेक्टली कोई पोकेमोन पकड़ा देंगे ये लोग, होपफुली कोई अच्छा पोकेमोन मिले मेरे को एज अ स्टार्टर, ओरान गुरु आर यू सीरियस, एक साइकिक एंड ये कौन सा टाइप का होता है मैं भूल गया, एक साइकिक टाइप तो होता है ये मुझे पता है, नॉर्मल एंड साइकिक टाइप पोकेमोन, क्या ठीक है ओके ओके पोकेमोन दिया है लेकिन ठीक है,
कन्फ्यूजन। ओके इतना भी वीक नहीं था ये, हरा दिया इसने, ठीक है। डोंट वरी गाइस, मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं खुद की ड्रीम टीम बनाऊंगा इस गेम में भी, बिकॉज़ मैं गेम्स खेलता है कि वो मुझे ये पसंद है अपनी खुद की एक टीम बनाना। दिस इज़ नॉट द प्लेस टू चैट, सो कम बाय माई लाइव बाय माई पोकेमॉन लैब लेटर, ओके ठीक है। सो ओमी, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू फ्रॉम योर फादर, आई हैव हर्ड दैट यू डोंट हैव योर ओन पोकेमॉन येट, बट द वे यू बैटल अर्लियर यू पुल्ड इट ऑफ विथ अ बॉम्ब, ओके आई गेस यू हैव योर फादर्स ब्लड इन योर वीन्स आफ्टर ऑल, ओ येस एज अ थैंक्स फॉर रेस्क्यूइंग मी आई वुड लाइक यू टू हैव द पोकेमॉन यूज अर्लियर, नहीं चाहिए मुझे प्लीज़। उरान गुरु क्यों चिपका दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उसको मेरे पीसी में डिपॉजिट कर दूंगा। ये क्या लिखा है, उरान गुरु का निकनेम नहीं देना मुझे। इफ़ यू वर्क एट पोकेमॉन एंड गेन एक्सपीरियंस आई थिंक यू विल मेक एन एक्सट्रीमली गुड ट्रेनर, माई किड मी इज़ ऑल्सो स्टडिंग पोकेमॉन वाइल हेल्पिंग मी आउट, ओ मी डोंट यू थिंक इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गो सी मैं, हाँ ठीक है, मतलब एक लड़की का डैड आपको खुद बोल रहा है कि आज मेरी बेटी को जाके मिल, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिल हो सकती है गाइस, कि आप लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। ग्रेट, मी शुड बी हैप्पी टू गेट मे टू टीच यू वॉट इट मीन्स टू बी अ ट्रेनर, ठीक है ठीक है। देख सकते हो मैंने आपको बोल रखा था इस गेम में आपका हर एक पोकेमॉन आपको फॉलो करेगा, और मेरे को ये मेरा लक ही ख़राब है, मेरे को ये मिला उरान गुरु। और पता है ये हर एक पोकेमॉन की अलग अलग क्राइज भी है इस गेम में, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट, ओ एक जेरा उरा, ओ डैम, ओके मैंने एक वॉचॉक के ऊपर पैर रख दिया तो वो हम लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन पता है इस गेम में होता क्या है गाइस, इस गेम में आप लोगों को रिपल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, बिकॉज़ मैं रिपल्स में ज़्यादा खर्चा करना बिलीव नहीं करता। ओके एक क्रैमोरांट, एक इलेक्ट्रावायर, डैम, देख सकते हो इसलिए मैं इस गेम को खेलना चाहता था बहुत टाइम से। और इनका लेवल भी देखो कितना कम है, मेरे पास पोकेबॉल्स है, डैम मुझे नहीं पता था मेरे पास पोकेबॉल्स है। ओके कोई अच्छा पोकेमॉन अगर मिलेगा तो मैं इसको पकड़ लूँगा। ओके ये कौन सा पोकेमॉन है, लेट्स सी ये क्या नाम है इसका, क्रैब मी नबल, ओके मुझे नहीं पता, आई गेस ये कोई पक्का आलोला का पोकेमॉन रहेगा। सॉरी ब्रो, आई मीन सॉरी ब्रो, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी ब्रो मैं नहीं पकड़ूंगा तुझे। यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन है क्या, एक नीडो क्वीन, ओके हेराक्रॉस, ओके और कोई अच्छा तगड़ा पोकेमॉन। और पता है इसमें पोकेमॉन आपके ऑटोमेटिकली चेंज होते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक विक्ट्री बेल, ओ एक इन्फर्नी, डैम मैं तेरे को पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको ट्राई करेंगे कैच करने का, यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं, ओके पकड़ लिया मैंने गाइज। मेरे पास मेरा खुद का एक स्टार्टर पोकेमॉन भी आ चुका है इतने जल्दी, नेम तो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। आर यू सीरियस, एक रैक्वाजा, ये गेम कितना ओपी है, बट अगर मैं इसको पकड़ लिया ना तो ये थोड़ा सा चीटिंग हो जाएगा, बट ठीक है मैं इसको पकड़ने का ट्राई करेगा। ओके ये हाथ में आने वाले में से तो नहीं है, मैं गेम सेव करके रिटर्न यूज़ करता हूँ, ये ट्रिक सही होती है। अगर और 10 अटेम्प्ट में नहीं आया तो ये पोकेमॉन मेरे हाथ में नहीं आने वाला। ओके पोकेबॉल्स बाउंस ले रहते हैं, दैट मीन्स ये आ सकता था, ओ माय गॉड वेट। और लो गाइस मैंने पकड़ लिया एक रिक्वाजा, आर यू सीरियस, मतलब आई गेस एमरल्ड का मेन पोकेमॉन ही रिक्वाजा है, और वो मैंने फर्स्ट एपिसोड में मैंने रिक्वाजा पकड़ लिया, और इसमें मैंने कोई चीट्स का यूज़ नहीं किया, डोंट वरी। हमारे पास आ चुका है इस गेम का सबसे लेजेंडरी पोकेमॉन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इस गेम का, रिक्वाजा को कोई मैं निकनेम नहीं देता, ठीक है। मेरे को देखना है रिक्वाजा, अगर यहाँ पे अभी ड्रिटानी भी है, यार यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ से नहीं निकला ना तो अम्ब्रियन था क्या वो पीछे, आई गेस। पहले मेरे को इस उरान गुरु को डिपॉजिट करने दो, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए मेरी टीम में, विदड्रॉ नहीं करना, डिपॉजिट करना है मुझे पोकेमॉन। ओके तू डिपॉजिट हो जा, और अभी हमारे पास आ चुका है हमारा खुद का एक इन्फर्नीब,
और भी पोकेमोन होंगे, हमारे पास एक रेक्वाजा भी है। मैं दिखाता हूँ रेक्वाजा कितना बड़ा है इस गेम में, आप लोग मानोगे नहीं, मुझे वो भी मिला था, क्या नाम है उस पोकेमोन का, इटरनिटस। डैब, देखो रेक्वाजा है मेरे पास सीरियसली। और यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन्स को आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेट सी द पोकेमोन फाउंड ऑन रूट 103 इंक्लूड। ओ हाई ओमी, आई सी माई डैड गेव यू अ पोकेमोन एज अ गिफ्ट। हाँ, उन्होंने मेरे को एक रिक्वाजा दिया है। सिंस वी आर हियर लेट्स हैव अ क्विक बैटल, आई विल गिव यू अ टेस्ट ऑफ वॉट बींग अ ट्रेनर इज लाइक। आर यू सीरियस, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? ओके, एक ग्रोटल, ठीक है, इसके पास कौन से मूव होते हैं? एक ट्विस्टर ही है, ठीक है। ओके, पहला पोकेमोन डाउन, सेकेंड पोकेमोन कौन सा है? बट आई गेस रिक्वाजा का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो होगा, लेकिन ठीक है गाइज, एक मैमोस्वाइन, दिक्कत तो है बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी रिस्क लूँगा थोड़ा सा यहाँ पे। मैमोस्वाइन को मैं हराने के लिए यूज़ कर सकता था इन्फरनेव का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ओके, रिक्वाजा हमारा पहला स्टार्टर पोकेमोन बन चुका है। नहीं मतलब देखा जाए तो इवन तो मेरा स्टार्टर पोकेमोन तो नहीं है रिक्वाजा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में मेरे को रिक्वाजा मिला, उससे और अच्छा और क्या ही हो सकता है। लेवल भी पोकेमोन के ग्राइंड हो रही है यहाँ पे मेरे, और एक डुओ ब्लेड। ओके, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इन्फरनेब को। और नॉर्मली तो चिमचार मिलता है इस लेवल पे, बट मुझे सीधा इन्फरनेब मिल गया, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। इस गेम में मेरे को यही पसंद आता है कि आप लोग लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी कैच कर सकते हो उस ट्रिक का यूज़ करके। बेसिकली उस ट्रिक में करना क्या है, आपको सेव करना है एंड पोकेबॉल्स को थ्रो करना है। अगर वो पोकेमोन बाहर आ जाता है तो फिर से इस मतलब रीसेट कर देना एंड फिर से बार बार ट्राई करो, एंड अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपका पोकेमोन कैच हो जाएगा। लेकिन लेजेंडरी पोकेमोन्स के साथ ये बहुत चांसेस कम होते हैं, बहुत बहुत कम होते हैं। देख सकते हो मेरे को रिक्वाजा पकड़ने के लिए कितना टाइम लगा था। आई थिंक आई नो वाई माई डैड हैज़ आई आउट फॉर यू, यू नो आई मीन यू जस्ट गॉट दैट पोकेमॉन बट इट ऑलरेडी लाइक्स यू, यू माइट बी एबल टू बी फ्रेंड एनी काइंड ऑफ पोकेमॉन ईजिली। हाँ, मेरे को इस गेम का लेजेंडरी पोकेमॉन ने फ्रेंड बना लिया। वेल इट्स टाइम टू हेड बैक टू द लैब। ठीक है, मेरे साथ एक बल्बसोर था ऊपर यार, और यहाँ पर ये कौन सा पोकेमॉन है, ये कौन सा पोकेमॉन है? अच्छा, कबूटो। ओके, ओवरवर्ल्ड स्प्राइट्स इसकी कोई अच्छी तो थी नहीं, तो मेरे को दिख नहीं रहा था, बट ठीक है हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। यार मेरे को और क्या चाहिए, मेरे पास एक रेक्वाजा है। ओके, एक लाइकन रॉक, एक मैग्नेजोन। कोई अच्छा पोकेमॉन है क्या और पकड़ने के लिए? यहाँ पे तो सब ठीक ठाक ही पोकेमॉन है। ओमी ओवर हियर लेट्स हरी होम। ठीक है, मैं जल्दी क्यों कर रही है, मैं प्रोफेसर बर्च को दिखाऊंगा मेरा रिक्वाजा। ओ, एक मेटाग्रॉस, डैम, एक कोबैलियन। सही है, लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी आप लोगों को ग्रासेस में मिल जाएंगे। मैं चाहूँ तो मेरी टीम बना सकता हूँ पूरी, देख सकते हो, एक विलावा, वेपोरियन, एक कोफैग्रिगस, एक इसका नाम क्या था, क्रैमोरेंट, लूडिकोलो, स्क्रैगी, पोनीटा, बनीरी, किंगलर। हो, ए डैम डैम डैम, अगर इसको मैं पकड़ लिया ना मेरा लक ही चेंज हो जाएगा। ओके, मैं गेम यहाँ पे पहले तो सेव कर लूँगा, बट मेरे हिसाब से इसको मैं नहीं पकड़ूँगा बिकॉज़ फिर वो थोड़ा सा मतलब, ठीक है मैं ट्राई तो कर लूँगा, देखते हैं ना क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं गेम सेव कर लेता हूँ एंड लेट्स यूज़ पोकी बॉल्स। ओके, पोकेमोन बाउंस हो रहा था, दैट मीन्स चांसेस है कि ये पकड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। रेकवाजा के लिए तो मेरे को बहुत टाइम लगा था, होपफुली इसके लिए भी मेरे को टाइम लगेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है। ओ, दो दो बाउंस हो गए थे, और ये फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ बिकॉज फिर टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ना। अरे आ जा, कितना नखरे करेगा। एक बाउंस हुआ था, एक और बाउंस हुआ था, ये आ जाएगा मोस्ट प्रॉबली। अगर ये आ गया ना तो मेरे को मेरा थंबनेल मिल गया गाइज, रिक्वाजा और हो दोनों डाल दूंगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा बिकॉज़
ये ट्रिक आपके पेशेंस को ट्राई करेगी। ओके, ये आने वाला था। चांसेस बहुत कम होते हैं, वो भी नॉर्मल पोकी बॉल में पकड़ने का, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। अब तक मैं अल्ट्रा बॉल को एक्सेस कर नहीं सकता, या फिर ग्रेड बॉल को भी आई गेस मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ओके डैम, मैंने पकड़ लिया। ओ माई गॉड, बोलते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गेम सेव कर लेता हूँ। एंड गाइस फाइनली मेरे पास एक हो भी आ चुका है। आई मीन ये गेम मैं क्या ही बोलूँ इस गेम को। नहीं, मैं निकनेम नहीं दूंगा। डैम, मैं प्रोफेसर बच के लिए दो लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ के लाया हूँ, और इसके पास कोई तो आइटम भी है। कौन सा आइटम है इसके पास? सीक्रेट डैश। ओके, हाँ आई गेस वो हो का खुद का आइटम होता है, वो ऐसे कैच करता ही है, उसके पास होता ही है। ओके हाय प्रोफेसर बस, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, एक हो। ओके, ओ हाय ओमी, आई हर्ड यू बीट मी ऑन योर फर्स्ट ट्राई। अरे मैंने उसको हराया ही, उसके साथ मैंने एक रिक्वाजा और एक हो को भी पकड़ लिया, एंड एक इन्फरनिप को भी। दैट्स एक्सीलेंट, मी इज़ बीन हेल्पिंग विथ माई रिसर्च फॉर लॉन्ग टाइम, मे हैज़ एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री एज अ ट्रेनर ऑलरेडी। हियर ओमी, आई ऑर्डर दिस फॉर माई एक्स रिसर्च, बट आई थिंक यू शुड हैव दिस पोकेडेक्स। देख सकते हो, खुद का पोकेडेक्स मिलने से पहले मैंने पोकेमॉन कैच कर लिया है, इससे अच्छा ट्रेनर क्या हो सकता है। लेकिन ठीक है, द पोकेडेक्स इज हाई टेक टूल दैट ऑटोमेटिकली मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ एनी पोकेमॉन यू मीट और कैच। माई किड मे गोज एवरीवेयर विथ इट, वेन एवर माई किड कैचेज अ रेयर पोकेमॉन एट एंड रिकॉर्ड्स इट्स डेटा इन द पोकेडेक्स। अच्छा, ये सब मुझे पता है। ओ वाओ ओमी, यू गॉट अ पोकेडेक्स टू, दैट्स ग्रेट, जस्ट लाइक मी आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू टू। पोकेबॉल्स अभी मुझे मिले, तो मैंने जो दो लेजेंडरी पोकेबॉल्स पकड़े वो मैंने आई गेस, हाँ मैंने जो वो मिसलेनियस वाला ऑप्शन यस कर दिया था, आई गेस उसी का ये नतीजा था। लेकिन ठीक है, आई एम गोइंग टू लुक ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज आई वॉन्ट डिफरेंट पोकेमॉन्स, इफ आई फाइंड एनी क्यूट पोकेमॉन आई विल कैच देम विद पोकेबॉल्स। श्योर, मेरे पास तो खुद का हो और लेकर रिक्वाजा है। आई मीन मुझसे लकी इंसान इस गेम में कोई हो ही नहीं सकता। एक लुकारियो, डैम मैं पकड़ूँ क्या? छोड़ो, आगे जाके और भी बहुत तगड़े तगड़े पोकेमॉन मिलने वाले हैं। एक क्रोकोडाइल, एक कम्बस्कन और एक लैप्रास। उरान गुरु नहीं चाहिए मुझे तू मतलब ठीक है, मेरे को एक स्टार्टर दिया था उरान गुरु, बट ठीक है, मेरे को एट स्टार्टिंग मेरे को लगा था कि मेरा लक बहुत ख़राब है, लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि नहीं, मेरा लक इतना भी ख़राब नहीं है। मेरे पास खुद का एक हो है, खुद का रिक्वाजा है, एंड और क्या चाहिए यार आप लोगों को? एक, आर यू सीरियस, एक लैटियोस। ये गेम में कितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स है? एक मकारगो, ओके इवन तो मेरे पोकेमॉन का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, इसको कुछ नहीं हो रहा, मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। आई विल यूज रिक्वाजा, लेट्स यूज ट्विस्टर, पॉइजन कर दिया। ओके, हरा दिया इसको, बट मेरा रिक्वाजा पॉइजन हो गया, जो कि गलत बात है। हो का भी लेवल थोड़ा सा ग्राइंड हो रहा है, नाइस। इन्फर्नेप तो 7 का हो गया, डैम, और रिक्वाजा भी 8 का हो चुका है। मैं इसको पहले हील करके आता हूँ गाइस, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरा छोटा सा बच्चा, आई मीन मेरा रिक्वाजा पॉइजन से सर्वाइव। ओके, ये ग्लिच होता ही है जब आपके पोकेमॉन पॉइजन हो जाते हैं, सो अगर आपको इससे बचना है तो बेटर है आप लोग अपने पोकेमॉन को हील कर लेना। ओके, मेरे पोकेमॉन को मैंने हील कर दिया है। एंड गेस व्हाट, आपको एक और चीज़ बताऊँ गाइस, आप लोग इसमें क्या होता है ना, आप लोग पोकेमॉन को सीधा मूव्स भी सिखा सकते हो। आप लोगों को कोई मूव रिलर्नर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लेवल वाले मूव्स यहाँ पे आ जाना। ओके, ये कोई भी मूव सीख नहीं सकता इतनी जल्दी। ट्यूटर में कोई है क्या मूव? नहीं, आई गेस ये बहुत जल्दी है, लेवल इसका बहुत कम है ना अभी, तो ये कोई मूव अभी सीख भी नहीं सकता। लेट्स सी, इन्फर्निप कोई मूव सीख सकते हैं क्या अभी? आइटम में मैं क्यों जा रहा हूँ? न्यू मूव लेवल, ओके वो क्लोज कॉम्बैट सीख सकता है, फ्लेयर ब्लेड सीख सकता है, सो मैं उसको मार्च पन सिखाऊंगा, जस्ट बिकॉज वो फर्स्ट स्ट्राइक करता है, इट्स लाइक क्विक अटैक लेकिन फाइटिंग अटैक रहेगा वो, तो हम लोग स्क्रैच अटैक सिखा देंगे। क्लोज कॉम्बैट भी मैं सिखाऊंगा, जस्ट इन केस अगर कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन सामने आ गया तो क्या करेंगे, क्लोज कॉम्बैट मारूंगा। एंड आई गेस मेरे को ये काम आने भी वाला है, बिकॉज जो हमारे फर्स्ट जिम लीडर होने वाली है रॉक्सिन, उसके लिए मुझे रॉक टाइप को हराने के लिए फाइटिंग टाइप पोकेमॉन लगी गई, और मेरा लक अच्छा था कि मेरे को एक इन्फर्निप मिल गया।
और आई गेस फ्लेयर बिट्स में इतने जल्दी नहीं सिखाने वाला, बिकॉज उसमें हमारी पोकेमोन की एचपी भी जाती है ना खुद की, इसलिए नहीं नहीं मेरे को वो नहीं सिखाना। मैं बाहर कैसे निकलूँ? ओके बाहर निकल गया, लेट्स सी रेक्वाजा कोई सीख सकता है क्या? नहीं यार, लेजेंडरी पोकेमोन का यही होता है, वो कम लेवल्स में कोई मूव ही नहीं सीखते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, तो चलो अभी हम लोग जाएंगे आगे। यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी पोकेमोन बैटल्स अवॉइड करनी है, तो कर सकते हो, मैं जो कि करूँगा। यहाँ पे लेट्स सी, ओके ग्रोवाइल था यहाँ पे। ओके ओके ये बैटल तो मैं काफ़ी इजीली अवॉइड कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चेरूबी दाना ही आई गेस। हाँ मेरे को है ना इनको पहले तो थोड़ा सा लेवल में ग्राइंड करना है, फिर उसके बाद मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ए वो एक एवलॉक था आई गेस यहाँ पे। ओके एक एब्रा भी है, जाइगार्ड। आर यू सीरियस? अरे यार ये कौन सा पोकेमॉन आ गया बीच में? अगर मैं जाइगार्ड को पकड़ लेता ना, सीरियसली मेरा दिन बन जाता आज का। वेट आई गेस वो फिर से आ सकता है, लेट जस्ट वेट, मेरे को यकीन है वो फिर से आएगा। एक गिराटिना, आर यू सीरियस? ट्राई करने में क्या हर्ज है ना, मैं उसको पकड़ने का ट्राई तो कर सकता हूँ गाइस। ठीक है पहले सेव कर लेते हैं एंड लेट्स यूज़ वेदर बॉल। अच्छा वेदर बॉल हिट नहीं करेगा तो मुझे पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। लेट्स गो, मोस्ट प्रोबेबली इसको थोड़ा सा मैंने डैमेज दूंगा तो ये मर नहीं जाए, बिकॉज लेवल इसका कम है। ट्विस्टर यूज़ करेंगे, मर गया। कोई नहीं कोई नहीं, आई गेस मेरे को पोकेमॉन चेंज ही करना पड़ेगा। कितना स्पीड गिराएगा ब्रो, कितना स्पीड गिराएगा? आई होप तू सरवाइव कर जाए इस एम्बर को। ओके सरवाइव कर रहा है, अच्छी बात है। अच्छा ये बर्न हो गया। ओके अभी मेरे को इस बार एक बार गेम सेव करने दो। ओके अभी मैं इसको कैच करने का ट्राई कर सकता हूँ। गेम को यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं एंड लेट्स थ्रो पोकी बॉल। आ जा नखरे मत कर, मेरे पास ऑलरेडी दो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, प्लीज़ आ जा ब्रो। देख तू आएगा तो इतना तो फिक्स है, बिकॉज मुझे इस गेम का हैक तो मिल चुका है, मतलब कैसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैच करना है। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा नखरे करते हैं, कुछ लोग थोड़े कम नखरे करेंगे, लेकिन इन दी एंड तू आ तो जाएगा ही, इतना मुझे पता है। प्लीज़ आ जा, मेरी इज्जत का सवाल है ब्रो। अरे ब्रो आ जा यार, कितना नखरे करेगा। इसको नहीं पकड़ा ना अभी। ओके मैं पकड़ लिया, डैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू घिराटीना, तूने मेरी नाक रख ली, नाक नहीं लाज रख ली, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके मेरे पास लिटरली अब तीन तीन लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो चुके हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन हाँ घिराटीना को मैंने पकड़ लिया गाइस। मैं निकनेम नहीं दूंगा यार, क्या करे, कभी कभी तो लगता है पुनिश भगवान है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब रॉक्सन को कोई आइडिया नहीं है मेरे पास कितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, मतलब वो बेचारी तो अपने पोकेमॉन्स को रेडी करके रखी रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ आपसे। बाय।